स्टूडेंट माई सेल्फ प्रीति कोहली विल बी स्टार्ट थीम 9 किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। राजा और उनके लिखित दस्तावेज जो उनके बारे में लिखा गया है, द मुगल कोर्ट, मुगल दरबार जो कि 16th से लेकर 17th सेंचुरी तक रहा। नाउ वी हैव डिस्कस इन दिस चैप्टर द रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर सो themselves as appointed by divine will to rule over a large and heterogeneous populace। जो मुगल रूलर थे या मुगल शासन के रूलर थे, उन्होंने अपने आप को एक दिव्य इच्छा या दैवी इच्छा के रूप में उन्होंने शासन किया। इट मीन्स कि उनके अंदर डिफरेंट क्वालिटीज थी, विभिन्न व्यक्ति या विभिन्न वस्तुओं से रिलेटेड वो लोग पॉपुलर हुए, क्योंकि उनके अंदर डिफरेंट तरह की क्वालिटी थी। कोई आर्किटेक्चर से रिलेटेड, कोई आर्ट से, कोई कला से या कोई पोइट्री से, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग कलाओं के वो लोग विद्वान थे, उनके अंदर ये क्वालिटी थी। ऑल दो दिस ग्रैंड विजन वॉज ऑफन सरकमस्क्राइब बाय एक्चुअल पॉलिटिकल सरकमस्टेंसेस, इट रिमेन्ड इम्पॉर्टेंट। यद्यपि उनका जो इतना शानदार दृश्य था या जो भी उन्होंने अपना परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो अनुसार जो भी डिस्क्राइब किया, वो उनकी राजनीतिक परिस्थितियाँ थी और वो उन बहुत ही उनके लिए महत्वपूर्ण थी। वन वे ऑफ ट्रांसमिटिंग दिस विजन वॉज थ्रू द राइटिंग ऑफ डायनेस्टिक हीरो हिस्ट्रीज। एक उनका सबसे अच्छा ट्रांसमिटिंग विजन या दृश्य ये था कि उनका जो भी डायनेस्टिक हिस्ट्री थी वो उनकी रिटन में थी, वो उनका रिटन मटेरियल था, उनका लिखित दस्तावेज था। द मुगल किंग्स कमीशन्ड कोर्ट हिस्टोरियंस टू राइट अकाउंट्स, दीज अकाउंट्स रिकॉर्डेड द इवेंट्स ऑफ द एम्परर्स टाइम। जो मुगल राजा थे, उन्होंने जो भी उनके कोर्ट या हिस्टोरियंस ने उनके बारे में जो भी अकाउंट लिखा, वो जो भी इवेंट्स थी उनको रिटन में लिखा, उनका सब रिकॉर्ड रिटन में किया। और इन एडिशन या इसमें हम देखते हैं, देयर राइटर्स कलेक्टेड वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू हेल्प द रूलर्स गवर्न देयर डोमेन। इस तरह से जो भी राइटर्स थे, उन्होंने जो भी कलेक्ट किया, जो इतना वास्ट अमाउंट उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की पूरे सब कॉन्टिनेंट पे, जो भी रूलर्स थे उन्होंने किस तरह से वहाँ पर शासन किया, इनमें हमें इसकी हेल्प मिलती है। उनका जो भी रिटन अकाउंट था उससे उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में हमें हेल्प मिलती है। मॉडर्न हिस्टोरियंस राइटिंग इन इंग्लिश हैव टर्म एज दिस जेनरे ऑफ टेक्स्ट क्रॉनिकल्स एज दे प्रेजेंट आ कंटिन्यूस क्रॉनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स। जो मॉडर्न हिस्टोरियंस थे या जो भी आधुनिक इतिहासकार थे, उन्होंने जो भी इंग्लिश में लिखा, जो भी टेक्स्ट के बारे में उन्होंने लिखित में लिखा, वो सभी प्रेजेंट में कंटिन्यूस उनका रिकॉर्ड हमें इवेंट्स के रूप में मिलता है। क्रॉनिकल आर एन इंडिस्पेंसिबल सोर्स फॉर एनी स्कॉलर विशिंग टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ मुगल्स। जितना भी क्रॉनिकल जो हिस्ट्री यहाँ पर क्रॉनिकल या लिखित जो उनका दस्तावेज था, जो सोर्सेस थे, हमें स्कॉलर्स ने जो भी चाहा मुगल हिस्ट्री में उनके बारे में लिखा, एट वन लेवल दे वर अ रिपोजिटरी ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मुगल स्टेट, पेनस्टेकिंगली collected and classified by individual closely connected with the court। अब यहाँ पर एक लेवल पर उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या भी जो भी हिस्ट्री थी, जो भी इंफॉर्मेशन थी, जो भी इंस्टीट्यूशन मुगल स्टेट के थे, उनको सावधानीपूर्वक कलेक्ट किया गया और क्लासीफाइड किया गया कोर्ट से कनेक्ट करके। एट द सेम टाइम दीज टेक्स्ट वर इंटेंडेड एज कन्वेयर्स of meaning that the Mughal rulers sought to impose on their domain. They therefore give us a glimpse into how imperial ideologies were created and disseminated.
दिस चैप्टर विल लुक एट द वर्किंग ऑफ दिस रिच एंड फैसिनेटेड डायमेंशन ऑफ द मुगल एम्पायर। यहाँ पर जितना भी मुगल्स ने या मुगल एम्पायर की जो भी हमें झलक मिलती, जो उनकी आदर्शवादिता क्रिएट की गई, इस चैप्टर में हम उनका किस तरह से वर्कआउट किया गया, क्या उनका डायमेंड, क्या उनका काल्पनिक अस्तित्व था, किस तरह से मुगल एम्पायर ने अपने आप को इतना रिच रूप में काम करने में देखा, ये सारे कुछ हम इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे।